हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस टॉपिक से लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये टॉपिक है करंट अफेयर्स 2018 का, जनवरी से लेकर जुलाई तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ, जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई 2018 में दोस्तों, जनवरी से लेकर पूरा जुलाई तक फुल अपडेटेड लिस्ट है ये बिल्कुल। और इस टॉपिक से दोस्तों हर गवर्नमेंट एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। यदि आप आगामी 2018 में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देने जा रहे हैं एग्जाम, तो आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइए। जैसे राजस्थान पुलिस, रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन एलपी एग्जाम, एसएससी, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिस, आर्मी एग्जाम, व्यापम के सभी एग्जाम। तो इस वीडियो को आप देख कर जरूर जाइएगा, निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी डेली वीडियोज़ मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, उसे ज़्यादा शेयर भी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी को। और ये किसका स्थान लेंगे? स्वतंत्र कुमार का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रीय अधिकरण के बारे में आपको बताता हूँ, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और ये क्या है? तो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित त्वरित निपटारे के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी को, ठीक है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आपको कमेंट करके आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। और इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको चैनल पे PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी क्यूरी सुझाव है, तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का नया अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा को नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, जो न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा है, इससे पहले पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं ये। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बात करें, उसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में, और इसके विभिन्न राज्यों में 17 नियमित बेंच हैं और 4 सर्किट बेंच हैं, ठीक है। तो हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा जी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों अरिजीत बसु जी को, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे SBI की हो रही है, तो SBI के बारे में आप जान लीजिए। SBI भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को, और इसी दिन 1 जुलाई को SBI दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। और बात करें इसके चेयरमैन की, पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो वह है रजनीश कुमार जी, ठीक है दोस्तों। तो SBI का नया मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया अरिजीत बसु जी को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं दोस्तों इवान ड्यूक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी कोलंबिया के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं ये, ठीक है। इवान ड्यूक जो है तो कोलंबिया के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। इनकी पार्टी कौन सी थी? डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी। और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? प्रतिद्वंदी थे गुस्तावो पेट्रो। तो कोलंबिया के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? वो हुए हैं इवान ड्यूक जी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया दोस्तों महेश कुमार जैन जी को, ठीक है। देखिए दोस्तों, RBI का जो नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया महेश कुमार जैन जी को, ये स्थान किसका लेंगे? SS मुंद्रा जी का स्थान लेंगे। और इसके अलावा बता दें दोस्तों कि जो RBI है, उस एक्ट के अनुसार 4 डिप्टी गवर्नर उसमें होना चाहिए, और इसमें 4 जो अन्य डिप्टी गवर्नर हैं, 3 वो हैं विरल वी आचार्य, और दूसरे हैं SS विश्वनाथ, तीसरे हैं BP कानूनगो, और अभी चौथा जो नियुक्त किया गया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है महेश कुमार जैन जी को SS मुंद्रा की जगह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करें उर्जित पटेल जी की, तो ये कौन है? वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है
पंकज शरण जी को, ठीक है, किसको, पंकज शरण जी को। वहीं बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी की, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, और जो उप सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया वो नियुक्त किया गया पंकज शरण जी को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने किसे पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, यानी आरबीआई का नया चीफ फाइनेंस ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया सुधा बालकृष्णन जी को, और ये आरबीआई के इतिहास में अब तक की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी होंगी, और आरबीआई के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। और रजनीश कुमार जो तो वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं। तो आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है कि पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी ने सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है, किसको, सुधा बालकृष्णन जी को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ललित कला अकादमी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है उत्तम पछरने जी को। ये किसका स्थान लेंगे, तो ये लेंगे एस एल श्रीवास्तव जी का स्थान लेंगे, सॉरी दोस्तों एम एल श्रीवास्तव है, एस नहीं एम एल श्रीवास्तव है, ठीक है, एम एल श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। और बात करें ललित कला अकादमी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 में, और ये क्या है, ललित कला अकादमी कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया स्वायत्त संस्थान है। तो हाल ही में ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, उत्तम पछरने जी को एम एल श्रीवास्तव की जगह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों माइक पोम्पियो को, एक इसका स्थान लेंगे रेक्स टीलरसन, इससे पहले कौन थे, रेक्स टीलरसन, तो उनकी जगह पर माइक पोम्पियो को अमेरिका का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले देश की पहली महिला वकील कौन होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले देश की पहली महिला वकील होंगी इंदु मल्होत्रा जी, ठीक है, इंदु मल्होत्रा जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल के अगले प्रमुख कौन होंगे। तो राष्ट्रमंडल के कॉमनवेल्थ के अगले प्रमुख होंगे दोस्तों प्रिंस चार्ल्स होंगे, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स होंगे। इसके अलावा बता दें जो राष्ट्रमंडल है 53 राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पूर्वतः संयुक्त राजशाही के उपनिवेश का या परिराज्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों वो है ओपी रावत, यानी ओम प्रकाश रावत जी, और इससे पहले कौन थे, अचल कुमार ज्योति जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष दोस्तों वो हैं के सिवान जी, इससे पहले कौन थे, एस किरण कुमार जी। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लेते हैं दोस्तों जो 5 करंट अफेयर्स के सवाल हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2018 में फ्रेंच ओपन महिला का खिताब जीता था। ऑप्शन है सिमोना हालेप, एस स्टेफेंस, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2018 किसने जीता है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसका भी राइट आंसर आपको लिखना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 2018 फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब कौन जीता। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में CVC सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये थे करंट अफेयर्स के 5 सवाल, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, सभी कमेंट में रीड करूंगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हौसला जरूर बढ़ाएं कमेंट करके। और इसी तरह की आप वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए PDF नोट्स के लिए, और साथ ही साथ फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। कोई भी सुझाव या सवाल है आपके मन में तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।